नमस्कार, मैं सियाजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज मैं लेकर के आया हूं अपने विश्वकर्मा समाज के बारे में एक जानकारी। तो जानकारी है वो, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी और जानकारी है भी अच्छी लगने वाली। तो मैं चाहता हूं इस जानकारी को आप लोग है वो और आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरी जानकारी है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। अब जानकारी ये है कि जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें हमारे जो विश्वकर्मा समाज के कितने सरपंच बने हैं, वो मेरे पास जितने नाम मैंने सोशल मीडिया पे और अपने रिसर्च से जो मिले हैं वो मैं आपको बताता हूं। बाकी आप लोग आगे इसमें जोड़ें, जहां पे भी अगर हमारे समाज का कोई सरपंच बना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और एक दूसरे तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो देखिए, पहले सबसे पहले जो झुंझुनू जिला है उसमें मैं शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं। ये श्री ताराचंद जी जांगिड, ये मलसीसर पड़ता है झुंझुनू जिले में, वहां से सरपंच बने, उनकी मलसीसर पंचायत है। श्री धर्मेंद्र जी जांगिड, ये रामपुरा पंचायत है और रामपुरा गांव के ही हैं, ये भी झुंझुनू में ही पड़ता है। श्री प्रदीप जी जांगिड सागवा, ये भी राजस्थान में झुंझुनू जिले में ही पड़ता है। श्री पवन जी जांगिड, ये थली जो गांव है वहां से, उस पंचायत से सरपंच बने हैं। श्रीमती अंजू देवी जांगिड, ये धिंगड़िया एक गांव है, धिंगड़िया करके, और उस पंचायत से वो सरपंच बनी है। श्री नेमीचंद जी जांगिड, ये भोड़की गांव है, उससे सरपंच बने हैं। श्रीमती सुशीला सुथार, ये हंदा पंचायत से सरपंच बनी है। श्री रामेश्वर लाल जी सुथार, ये ग्रांधी ग्राम पंचायत से ये सरपंच बने हैं। बरजू देवी सुथार रानावाड़ा से ये सरपंच बनी है। श्री पप्पूराम सुथार, ये जम्बासर से सरपंच बने हैं। कैलाशी देवी सनोप रतनलाल जांगिड, ये सुनाड़िया से सरपंच बनी है। श्री शोपत राम जी सुथार, ये भाडेरा हरियासर से सरपंच बने हैं, भाडेरा से। और जो आखिरी वो नथुराम जी सुथार खाखूसर, ये कोलायत बीकानेर में, वहां से सरपंच बने हैं। तो आज की ये जानकारी मेरे पास मैंने जुटाई थी वो मैंने आपके सामने रखी है। और मुझे पता है कि ऐसे और भी राजस्थान में ये तो कुछ चंद नाम मेरे सामने आए हैं। मैं चाहता हूं कि जो बाकी के भी जहां पे भी सरपंच बने हैं, तो इस बार मुझे लगता है अच्छी खासी तादाद है, तो आप लोग इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं और जितने भी हैं वो जानकारी मेरे तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो बनाऊं और वो वीडियो लंबा चौड़ा हो, बहुत सारे नाम हो, इसी उम्मीद के साथ। तो कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही लोगों के नाम आने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।